नमस्कार साथियों, उम्मीद है आप सभी लोग खुश होंगे, जिंदाबाद होंगे। मित्रों, जैसा कि आपको पता है यूपी एएनएम वैकेंसी जिसकी ज्वाइनिंग को लेकर काफी देर से बच्चे वेट कर रहे थे, उनके लिए खुशखबरी आ चुकी है। मैं आपको बता दूं, 5 फरवरी को ही मिलेंगे नियुक्ति पत्र, और आप लोगों को पता भी चल गया होगा कि 30 अभ्यर्थियों को लोक भवन बुलाया जाएगा, जिनको सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। अब बात यह है कि आखिरकार वो 30 कैंडिडेट कौन होंगे, 30 अभ्यर्थी कौन होंगे, कौन सी वह 30 महिलाएं होंगी जिनको लोक भवन बुलाकर सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, वो आप इस वीडियो में जानोगे मित्रों। और अभी तक आपका जो नोटिस है वो जारी नहीं हुआ है, पीडीएफ अभी तक नहीं आई है, तो कितनी देर में आपकी पीडीएफ, आपका नोटिस सामने आने वाला है, आखिरकार कितने बजे नोटिस जारी होगा, यह सब अपडेट आप इस वीडियो में जानने वाले हो। वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, और उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आगे भी आपको जो महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन होती है वो समय समय पर मिलती रहे। मित्रों, यहाँ पर आप देखिएगा, जो आपकी यूपी एएनएम वैकेंसी 1212 पदों के लिए है, उसमें आपको पता है 7000 आपके जो आपके 7189 जो पद है वो आपके फ्रेश ज्वाइनिंग को है, तो फ्रेश ज्वाइनिंग के लिए 5 फरवरी जैसा कि हमने आपको डेट बताई थी, तो यह निश्चित हो गया आपको 5 फरवरी को ही नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। आपकी सभी महिलाओं को आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट अधिकारी के द्वारा आपको नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, लेकिन 30 महिलाओं को, यहां पर आप देखोगे जो 30 अभ्यर्थी हैं उनको लोक भवन बुलाया जाएगा, और जो आपके उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं आदित्य योगी जी, उन्होंने द्वारा आपको जो नियुक्ति पत्र है वो दिया जाएगा। अब मेन बात यहां पर आती है कि आखिरकार वो महिलाएं कौन कौन सी हैं, तो मैं आपको बता दूं, जो महिलाएं टॉपर हैं, एक तो जो टॉपर महिलाएं हैं उनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, जो टॉपर हैं, और बहुत सारी बहनें जो टॉपर के बाद और बहुत सारी जो स्पेशल विषय में जो टॉप करी हैं उनको बुलाया जाएगा, और कुछ चुनिंदा बहनें हैं जो पीडीएफ जारी हो जाएगी उसमें सभी का क्लियर हो जाएगा कि आपका नाम उस पीडीएफ में जिसमें आपको लोक भवन पहुंचना है उसमें है या नहीं, लेकिन जो टॉपर बहनें हैं उनको यहाँ पर लोक भवन जरूर बुलाया जाएगा, और आदित्य योगी जी, जो आदित्य योगी नाथ आपके सीएम हैं, उनके द्वारा आपको नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। तो मित्रों, वहीं पर अब सीएम योगी जी के द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाइए, आपका 5 फरवरी को ही नियुक्ति पत्र वितरण समारोह है। निश्चिंत रहिएगा, इस बात को लेकर परेशान मत होइए कि अभी तक आपका पीडीएफ अपलोड नहीं हुआ, पीडीएफ जारी नहीं हुआ है, आयोग की तरफ से कोई भी नोटिस नहीं आया है, तो देख लेना, आयोग है ये थोड़ा देर रात तक भी अपलोड कर देगा अपना अपडेट, अपना नोटिस, तो नोटिस तो आपको आज ही आ जाएगा, चाहे थोड़ी देर रात तक आए, इसलिए निश्चिंत रहे। टॉपर महीने अपनी तैयारियां कर ले, उनको यहाँ पर सीएम योगी जी खुद बुलाकर नियुक्ति पत्र देंगे, और टॉपर के साथ साथ और भी कुछ बहने होंगी भाग्यशाली बहने जिनको खुद सीएम योगी जी आपके नियुक्ति पत्र देंगे। पीडीएफ से ही आपका पता चल पाएगा कि आखिरकार वह कौन कौन सी बहने हैं जिनको लोक भवन बुलाया जाएगा। जो अपडेट था मैंने आपको दे दिया, पीडीएफ कुछ समय में आपकी अपलोड होने वाली है, टेंशन ना ले, किसी के बहकावे में ना आए कि आपकी 5 फरवरी को यहाँ पर आपकी नियुक्ति पत्र नहीं मिलेंगे, निश्चित हो गया है कि 5 फरवरी को ही आपके नियुक्ति पत्र मिलेंगे, और कुछ समय में आपको पीडीएफ और आपके यूपी त्रिपलेसी आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस देखने को मिल सकता है। जैसे ही नोटिस आएगा तो AKGS रिसर्च सेंटर सबसे पहले आपके लिए उस नोटिस को लेकर आएगा, उस पीडीएफ को लेकर आएगा, और विद प्रूफ आपको उन बहनों के नेम बताएगा जिनको लोक भवन बुलाकर 30 बहनों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। तो दोस्तों, जो अपडेट था मैंने आपको बता दिया, मिलेंगे ऐसी ही एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के माध्यम से नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।